संजू गर्ग से अब करोड़ों की रिकवरी की जाएगी, देखिए उसी पर यह खास रिपोर्ट। शिक्षक दंपति से होगी करोड़ों की रिकवरी, विष्णु और मंजू गर्ग से वसूली जाएगी सैलरी, 9,31,50,000 वसूलेगा विभाग। स्कूल में डमी शिक्षकों से करवाते थे पढ़ाई। प्रदेश में सरकार बदली कि प्रशासनिक अधिकारियों की कार्यशैली भी बदल गई और मंत्री जी के सख्त रवैयों ने अधिकारियों की चाल भी बदल दी। जी हाँ, अब सबसे चर्चित शिक्षक दंपति विष्णु गर्ग और मंजू गर्ग से करोड़ों की वसूली की जाएगी। 12 के मेलखेड़ी इलाके में राजपुरा स्कूल में दंपति विष्णु गर्ग और मंजू गर्ग 25 साल से पोस्टेड थे, लेकिन पिछले 20 साल से कभी स्कूल पढ़ाने नहीं जाते थे और अपनी जगह पर डमी शिक्षक को पढ़ाने भेजते थे। मामला खुला तो दिसंबर में शिक्षा विभाग ने दोनों को निलंबित कर दिया था, जिसके बाद शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने पूरे 20 साल की सैलरी को ब्याज समेत वसूलने के निर्देश दिए थे। इतना ही नहीं, शिक्षक दंपति की अवैध संपत्ति पर भी बुलडोजर चलाने की बात कही थी। लोग स्कूल में पढ़ाने के लिए आते, एवज में भेज देते। बच्चों क्या हो रहा होगा, उनसे सारी राशि ब्याज सहित वसूल करूंगा, प्लस बच्चों का कितना नुकसान हुआ उनका मूल्यांकन धन में भी करूंगा, उनका मूल्यांकन धन में भी करूंगा और सारी जोड़ करके राशि वसूल करूंगा। पहली बार राजस्थान में होगा इस प्रकार से मूल्यांकन धन में करके वसूल किया जाएगा। शिक्षा मंत्री का आदेश मिला तो शिक्षा विभाग भी अलर्ट हो गया और कुछ ही महीनों में जांच पूरी कर रिपोर्ट तैयार कर ली है। अब करोड़ों की रिकवरी की तैयारी शुरू कर दी गई है। विभाग शिक्षक दंपति से 9,31,50,373 रुपए की रिकवरी करेगा। इसके लिए शिक्षा विभाग ने सदर थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई है। शिक्षक दंपति विष्णु गर्ग और मंजू गर्ग अपनी जगह पर डमी शिक्षकों से पढ़ाई करवाते थे और 25 साल से राजपुरा राजकीय विद्यालय में पोस्टेड थे। सर, शिक्षक दंपति के मामले में हमारे डायरेक्टर साहब ने जांच बिठाई थी और जिसमें अजमेर के जेडी साहब जांच कर रहे हैं। अभी तक जांच रिपोर्ट हमको प्राप्त नहीं हुई है। थाने से एक लेटर आया था हमारे पास, जिसमें सिर्फ ये पूछा गया था कि शिक्षक दंपति को अब तक कितना भुगतान विभाग ने किया है, तो उसकी हमने एक कमेटी बना करके और उसकी सूचना हमने सीआई साहब को भिजवाई थी और इसके आगे की जो तहकीकात है, जो भी कार्रवाई है, वो हमारे पीओ साहब देख रहे हैं। आरोपी विष्णु गर्ग 1996 से और उनकी पत्नी 1999 से राजपुरा राजकीय विद्यालय में पोस्टेड थे। करीब 25 साल से एक ही जगह पर पोस्टिंग लेकर बैठे थे और हर महीने करीब 1.5 लाख रुपए का वेतन उठा रहे थे, जबकि पति पत्नी दोनों ने स्कूल नहीं जाकर 15,000 रुपए में 3 डमी टीचर रखे हुए थे और खुद 12 में प्रॉपर्टी और ट्रांसपोर्ट का कारोबार चला रहे थे। फिलहाल दंपति शिक्षक अभी भी फरार है और विभाग रिकवरी करने जा रहा है। फिलहाल जो है सदर थाना पुलिस का कहना है कि एफआईआर उनको मिल चुकी है, जिसमें 9 करोड़ से ऊपर का गबन है और इस मामले में जो है डीओ का कहना है कि जेडी स्तर पर, डायरेक्टर स्तर पर जांच चल रही थी। फिलहाल जांच रिपोर्ट इनके पास नहीं है, तब देखना होगा कि पुलिस जो है आगे किस तरह की कार्रवाई करती है, फरार शिक्षक दंपत्ति को पकड़ पाती है, रिकवरी कर पाती है क्या। विपिन तिवारी, न्यूज 18।